नमस्कार। लोग क्या करते हैं अपने बेडरूम में या अपने लिविंग रूम में या अपने घर में? दौड़ते हुए घोड़ों की फोटो लगाते हैं, उगते हुए सूरज की फोटो लगाते हैं। लेकिन आपको पता है आप ये फोटो लगाते हो ना, इस फोटो का मतलब क्या? बहुत से जने क्या, अरे सर इसका मतलब तो बहुत अच्छा होता है, मतलब आपके घर में सुख शांति होती है और आपके घर में एक अच्छा माहौल रहता है और एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। क्या इसका मतलब यही होता है पॉजिटिव एनर्जी? घर में अच्छा माहौल रहेगा, पॉजिटिव माहौल रहेगा, आपका मन अच्छा रहेगा, इसको देख क्या यही होता है? नो नेवर। अगर आप भी ये सोचते हो तो आज मैं आपकी आंखें खोल दूंगा। अगर आप भी ये सोच के लाते हो कि घर में अच्छा रहेगा, दौड़ते हुए घोड़ों की फोटो लगाएंगे या उगते हुए सूरज की फोटो लगाएंगे तो घर में अच्छा माहौल रहेगा, आप भी ये सोचते हो तो आज आपको मैं इस सच्चाई से रूबरू करा दूंगा। इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि आपके घर में पॉजिटिवनेस रहेगी, आपके घर में अच्छा माहौल रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा, इसका मतलब यह नहीं होता है। दौड़ते हुए घोड़ों का फोटो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ताकत, मेहनत। आपको जीवन में घोड़ों की तरह मेहनत करनी होगी, घोड़ों को घोड़ों की तरह दौड़ना होगा, इसका मतलब यह होता है। सुबह से लेकर रात तक आपको घोड़ों की तरह दौड़ना होगा, मेहनत करनी होगी आपको अपने लक्ष्य के प्रति, इसका मतलब यह होता है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि नहीं यार प्रगति और अच्छा माहौल और ये घर में लगा, नहीं। दौड़ते हुए घोड़ों की फोटो आपको यही शिक्षा देती है, आपको यही प्रेरित करती है कि आप भी मेरी तरह मेहनत करो। मैं दौड़ता हूं किसी रेस को जीतने के लिए, तो आप भी दौड़ो किसी अपने लक्ष्य की रेस को जीतने के लिए। मेरे अंदर ताकत मैंने पैदा की है, वही ताकत आप पैदा करो, वही जोश वही जुनून आप पैदा करो। इस दौड़ते हुए घोड़ों की फोटो का मतलब यह होता है, ध्यान रख लेना। अगर आप किसी गलत फहमी में जी रहे हो तो ये देख लेना, वरना क्या आपने घोड़ों की फोटो लगा ली, आ हा सब कुछ बढ़िया चल रहा, सब कुछ अच्छा हो गया। आलसी हो, मेहनत नहीं करोगे, आराम से उठोगे तो घोड़ों वाली फोटो लगाने से कुछ नहीं होगा, ध्यान रख लेना। मेहनत करनी होगी, जो जुनून से रात दिन एक करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, वरना तो फोटो तो बाजार में ऐसी बहुत सारी मिलती है और बहुत से जने अपने घर में लगाते हैं, उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इसलिए दौड़ते हुए घोड़ों का फोटो का मतलब यही होता है कि मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें और अपने शरीर में ताकत पैदा करें, मेहनत करें अपने लक्ष्य के लिए, जो जुनून से अपने लक्ष्य के प्रति दौड़े, और तब तक दौड़े जब तक आपका लक्ष्य आपको मिले नहीं। पता है वो दौड़ते हुए घोड़ों की फोटो होती है, कभी रुके हुए घोड़े की फोटो कोई नहीं लगाता है, दौड़ते हुए घोड़ों की फोटो लगाता। क्यों? क्योंकि घोड़े दौड़ते रहते हैं। किसने दौड़ते रहते हैं? अपने लक्ष्य के लिए, अपने टारगेट के लिए। तो आप भी दौड़ते रहो, रुको मत, अपने लक्ष्य के लिए, अपने टारगेट के लिए। और बहुत से जने एक फोटो और लगाते हैं, उगते हुए सूरज। उगते हुए सूरज का क्या लगाते थे? यार नहीं यार अच्छा रहता है, उगते हुए सूरज को देखना चाहिए, उगता हुआ सूरज अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देता है, अच्छी सोच देता है। क्या इसका मतलब यही होता है? उगते हुए सूरज का मतलब यह होता है, ध्यान रखना, कि निरंतरता, कंसिस्टेंसी। उगता हुआ सूरज आपको यही शिक्षा देता है कि लाइफ में हमेशा कंसिस्टेंसी रखना, निरंतर रखना किसी भी काम के प्रति। सूरज हर वक्त उगता है, चाहे रात हो, दिन हो, या कोई सी भी कंडीशन हो, बादल हो या मौसम कैसा भी हो, सूरज उगता जरूर है। कभी यह सोचा है आपने कि आज सूरज नहीं होगा? नहीं। आप क्या करते हो अपनी लाइफ में? कंसिस्टेंसी, निरंतरता रखते हो? नहीं। अरे यार आज मूड नहीं है यार, आज कल करेंगे यार, अरे यार आज थोड़ा शरीर दर्द कर रहा है, आज रेस्ट करते हैं, अरे यार आज ठीक है यार। जो इंसान अपने लाइफ में किसी भी कार्य के प्रति कंसिस्टेंसी नहीं रखता, निरंतरता नहीं रखता, उसे उसका लक्ष्य कभी नहीं मिलता है। उगते हुए सूरज हमें यही शिक्षा देता है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति निरंतरता रखो, कंसिस्टेंसी रखो। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति कंसिस्टेंसी रखी, निरंतरता रखी, तो आपको अपने लक्ष्य कोई दूर नहीं कर सकता है, कोई भी ताकत, कोई भी मुश्किल आपको अपने लक्ष्य दूर नहीं कर सकती। चाहे आपको कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं, चाहे आपको किसी भी मैटर को लेकर आपको कोई नॉलेज नहीं, कोई बात नहीं,
बस आप उसे कंसिस्टेंसली नियम से करते जाए करते जाए, रोज करते जाए। जब किसी काम को आप रोज करोगे ना, तो धीरे धीरे उस कार्य में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन आप सीखते जाओगे और एक दिन सीखते सीखते एक दिन परफेक्ट बन जाओगे। किसी काम में परफेक्ट कैसे बना जाता है? कंसिस्टेंसी से, निरंतरता से। बहुत से लोग नहीं कहते, अरे यार ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है, दाएं हाथ का कैसे हुआ? क्योंकि वो कार्य रोज करता है, उसे पता है कि वो कार्य कैसे किया जाता है। निरंतरता, कंसिस्टेंसी, इसके बिना आप जीवन में कभी नहीं आगे बढ़ते। तो उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़ों का फोटो का मतलब यही होता है। अगर आपने भी अपने घर में लगा रखी है, तो क्या आप कंसिस्टेंसी रखते हो? क्या आप घोड़ों की तरह दिन रात मेहनत करते हो? अगर नहीं करते हो ना, तो वो फोटो अपने घर से हटा देना। उस फोटो का तो यही मतलब होता है कि निरंतरता रखो अपने जीवन में, कंसिस्टेंसी रखो और घोड़ों की तरह दौड़ो, तभी आपको अपना लक्ष्य मिलेगा, तभी आपको अपना एम अचीव हो पाए। तो ध्यान रखता हूँ, उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़ों का फोटो लगाने का मतलब यही होता है कि लाइफ में दौड़ते रहो अपने लक्ष्य के लिए, और कंसिस्टेंसी, निरंतर दौड़ते रहो, निरंतर दौड़ते रहो। एक ना एक दिन आपका लक्ष्य आपको अवश्य मिलेगा।